नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं मानस मंथन भाग एक, प्रथम प्रवचन। भगवान की महति अनुकंपा से यह सुअवसर प्राप्त हुआ है कि उनके चरित्र की कुछ चर्चा आप लोगों के बीच कर सकूं। आइए सबसे पहले गोस्वामी जी की भगवान राम के प्रति जो दृष्टि है उस पर विचार कर लें। गोस्वामी जी की जो मान्यताएं हैं उन्हें रखने के पश्चात मैं आपके समक्ष भगवान श्री राम के चरित्र की एक संक्षिप्त झांकी रखने का प्रयास करूंगा। पूज्य स्वामी जी ने पृष्ठभूमि के रूप में उस दृष्टि का संकेत आपको दिया है। उन्होंने उस पद का उद्धरण भी आपको दिया है जिसमें कहा गया है कि वाल्मीकि ही तुलसी के रूप में अवतरित होते हैं। वाल्मीकि तुलसी के रूप में क्यों अवतरित होते हैं, यदि इस प्रश्न पर विचार करें तो हमारा ध्यान चला जाता है श्रीमद् भागवत के एक प्रसंग की ओर। भगवान व्यास विपाशा नदी के तट पर गंभीर मुद्रा में विराजमान थे। देवर्षि नारद उनके पास आए। व्यास जी ने उनका स्वागत किया। उसके पश्चात बड़े ही सांकेतिक शब्दों में देवर्षि नारद ने भगवान व्यास से पूछा, आपने महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना की है जो ज्ञान का अप्रतिम कोश है, आपको इस रचना के पश्चात तो संतोष एवं शांति की अनुभूति हो रही होगी। आप स्वयं में कृतकृत्यता और पूर्णता का अनुभव कर रहे होंगे। देवर्षि के इस प्रश्न के उत्तर में भगवान व्यास ने कहा कि महाभारत की रचना को रचना की दृष्टि से महत मानते हुए भी मैं ऐसा अनुभव नहीं करता कि उसकी रचना के बाद मुझे समग्र शांति या संतोष का अनुभव हुआ हो। उन्होंने देवर्षि से पूछा कि इसका कारण क्या है। देवर्षि नारद ने कहा कि महाभारत की रचना उत्कृष्ट होते हुए भी आपने जिस दृष्टि से वह रचना की है समग्र अर्थों में वह आपको संतोष और शांति नहीं दे सकती है। आप पुनः श्री कृष्ण के चरित्र की रचना करें और उस रचना के पश्चात आपको संतोष एवं शांति का अनुभव होगा। और फिर देवर्षि की प्रेरणा से भगवान व्यास ने श्रीमद् भागवत की रचना की। तब उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि उस रचना के पश्चात उन्हें परम शांति की उपलब्धि हुई। बड़ी अद्भुत बात है कि महाभारत इतना महत् ग्रंथ है, इतना अप्रतिम है, पर उसके पश्चात भी भगवान व्यास को ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें संतोष की उपलब्धि नहीं हुई। इसके लिए वे उसके बाद श्रीमद् भागवत की रचना करते हैं। तो मैं कहूँगा कि जिस प्रेरणा से महर्षि व्यास ने महाभारत के बाद श्रीमद् भागवत की रचना की उसी प्रेरणा से वाल्मीकि भी तुलसी के रूप में अवतरित हो गए और तब वे भगवान राम के चरित्र को नई दृष्टि से सामने रखते हैं। महर्षि व्यास ने तो अपना कार्य तत्काल कर लिया जबकि महर्षि वाल्मीकि ने उसके लिए कलयुग का चुनाव किया, लेकिन दोनों स्थानों पर दृष्टि एक ही है। भगवान श्री कृष्ण महाभारत में भी हैं और श्रीमद् भागवत में भी, किंतु रचनाकार की दृष्टि दोनों जगह अलग अलग है। वाल्मीकि रामायण के प्रतिपाद्य हैं श्री राम। वाल्मीकि तुलसीदास के रूप में अवतरित होकर जब श्री राम के चरित्र का वर्णन करते हैं तब भी उनके ग्रंथ के नायक श्री राम हैं, पर दोनों की दृष्टि में पार्थक्य है। जो बातें महाभारत और श्रीमद् भागवत की रचना को अलग बनाती हैं वह वाल्मीकि एवं तुलसीकृत रामायण की तुलना करने पर स्पष्ट हो जाती हैं। वह दृष्टि क्या है जिसकी ओर पूज्य स्वामी आत्मानंद जी ने संकेत किया है, वह है ऐतिहासिक दृष्टि और भाव दृष्टि। महाभारत इतिहास को प्रधानता देता है तथा श्रीमद् भागवत भाव को, और यही बात रामचरितमानस के विषय में है। वाल्मीकि का काव्य इतिहास प्रधान है और जब वे तुलसीदास के रूप में रामचरितमानस की रचना करते हैं तो भाव प्रधान हो जाता है। इतिहास और भाव की दृष्टि में अंतर कहाँ है। इतिहास की दृष्टि व्यक्ति के ज्ञान की वृद्धि तो कर सकती है पर व्यक्ति के अंतःकरण को संतुष्ट नहीं कर सकती, वह तो भाव दृष्टि है जो व्यक्ति के अंतःकरण को संतोष या शांति का अनुभव कराती है। वाल्मीकि ने भगवान राम का वर्णन भले ही सांकेतिक रूप से किया हो किंतु वे मुख्य रूप से मानव चरित्र की दृष्टि से मानव के रूप में श्री राम का प्रतिपादन करते हैं। और दूसरी ओर तुलसीदास जी का मूल प्रश्न ही यह है कि श्री राम ईश्वर हैं या मनुष्य, यही रामचरितमानस का एक मूल प्रश्न है जिसके उत्तर में सारी रामकथा कही गई है। रामचरितमानस के जो वक्ता और श्रोता हैं भगवान शंकर और पार्वती, काकभुशुंडी और गरुड़, याज्ञवल्क्य और भरद्वाज, तीनों के मन में एक ही प्रश्न है। पार्वती का प्रश्न है कि क्या ब्रह्म मनुष्य के रूप में अवतरित हो सकता है, क्या श्री राम ईश्वर हैं।
उन्होंने लंका के रणांगन में भगवान राम को मेघनाद के नागपाश में बंधे देखा था और उनको लगा था, नहीं नहीं यह तो एक साधारण व्यक्ति है। और ठीक यही प्रश्न व्यंग भरी भाषा में भरद्वाज याज्ञवल्क्य से करते हैं। पूछते हैं, आप कृपा कर यह बताइए कि ये राम कौन है जिनकी इतनी प्रशंसा की जाती है। वे बड़े व्यंगात्मक ढंग से ऐतिहासिक वर्णन करते हैं और राम कथा को केवल दो या तीन पंक्तियों में ही समाप्त कर देते हैं। एक राम अवधेश कुमारा तिनकर चरित विदित संसार। एक राम अयोध्या के राजा के लड़के थे और उनका चरित तो संसार में बहुत प्रसिद्ध है कि नारी विरह दुख लहु अपारा। पत्नी के वियोग से उन्हें बड़ा दुख हुआ, बहुत रोए और भयउ रोष हिरण रावण मारा। उसके बाद क्रोध आ गया तो रावण को मार दिया। व्यंग क्या था इस गाथा में? व्यंग इस प्रश्न में था कि राम में ऐसी कौन सी बात है जो इतिहास में बार बार नहीं दोहराई गई। किस व्यक्ति को अपनी प्रिय वस्तु के वियोग से दुख नहीं होता, और कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो अपनी प्रिय वस्तु को पाने के लिए शक्ति होने पर भी संघर्ष ना करे। ऐसी स्थिति में श्री राम ने भी तो अपनी पत्नी को पाने के लिए रावण से संघर्ष कर विजय प्राप्त कर ली, तो क्या श्री राम को इतना महत्व दिया जाना चाहिए? और साथ साथ भरद्वाज ये भी पूछते हैं कि यह तो बताइए कि जिन श्री राम का नाम शंकर जपते हैं वे यही अयोध्या के राजा के पुत्र थे या कोई और थे? यही वह प्रश्न है जिसके उत्तर में राम कथा लिखी जाती है। तो रामचरितमानस का मूल प्रश्न यह है कि श्री राम मनुष्य हैं या ईश्वर हैं। बात बड़ी अटपटी सी लगती है। कभी तो लगता है कि तुलसीदास जी ने यह जो श्री राम को ईश्वर बना दिया वह कुछ ठीक नहीं है। मुझे स्मरण आता है, कुछ वर्ष पूर्व बम्बई में एक सम्मेलन हुआ जिसमें उद्घाटन करने के लिए एक मंत्री महोदय पधारे। उन्होंने भाषण करते हुए तुलसीदास जी की प्रशंसा तो की, किंतु उन्होंने एक आलोचना करना भी आवश्यक माना। उन्होंने कहा, तुलसीदास जी का काव्य बहुत सुंदर है, बहुत श्रेष्ठ है, परंतु ये यदि वे श्री राम का वर्णन मनुष्य रूप में करते तो हम उससे अधिक लाभ लेते। उन्होंने श्री राम को ईश्वर बनाकर उन्हें हमसे दूर कर दिया। यह मैं गोस्वामी जी की त्रुटि मानता हूँ। उस दिन मुझे भी बोलना था। इसका उत्तर देते हुए मैंने कहा कि हमारे इतिहास में केवल श्री राम ही तो नहीं है, हमारे देश का इतिहास बड़ा लंबा है जिसमें मनु से लेकर हरिश्चंद्र हैं, दधीची हैं, रतिदेव हैं, बलि हैं, ऐसे ऐतिहासिक पात्र हैं कि उनकी कोई गिनती ही नहीं है। श्री राम को अगर हम इतिहास से अलग भी कर दें तो हजारों ऐसे व्यक्ति हैं जिनका वर्णन इतिहास में मनुष्य के रूप में किया गया है, ईश्वर के रूप में नहीं। और साथ ही साथ मैंने यह भी जोड़ दिया कि अभी वर्तमान युग में महात्मा गांधी हुए हैं, उन्हें भी आप मनुष्य ही मानते हैं। जब इतने मनुष्यों से आप कुछ नहीं सीख पाए तो एक राम ही यदि मनुष्य बन जाते तो आप सब कुछ सीख लेते। यह कहाँ की बुद्धिमत्ता है? यदि आप इतिहास के व्यक्तियों से कुछ सीखना चाहते हैं तो कोई रोक है क्या? आप सीखिए ना लोगों को मनुष्य बनाकर। यह जो बुद्धिवादी सा प्रतीत होने वाला तर्क है वह वस्तुतः बुद्धिवादी नहीं है। सत्य तो यह है कि तुलसीदास जी ने श्री राम के ईश्वरत्व का प्रतिपादन कर उन्हें हमारे निकट पहुंचा दिया। मनुष्य के रूप में तो श्री राम हमसे बहुत दूर हो जाते, तुलसीदास जी ने उनके ईश्वरत्व का वर्णन कर उन्हें हमारे जीवन में निकट ला दिया, जितना हमारे काम का बना दिया, जितना हमारे लिए प्रेरक बना दिया। मनुष्य के रूप में श्री राम उतने हमारे काम के कभी हो ही नहीं सकते थे। वे तो इतिहास के एक युग की बीती गाथा मात्र होते। इतिहास के अनेक पात्रों में वे एक और पात्र जुड़ जाते। इतिहास तो शब्द विच्छेद की एक प्रक्रिया है। यह ठीक है कि वह भी एक आवश्यक अंग है, किंतु आप जानते हैं कि शब्द विच्छेदन की क्रिया कोई सुखद प्रक्रिया नहीं है। यहाँ तक कि जो डॉक्टर उसे करता है उसे भी उसमें कोई आनंद नहीं मिलता। उससे उसके ज्ञान में वृद्धि तो होती है और उसका करना भी अपेक्षित है, किंतु उसे बंद कमरे में किया जाता है और उसके निष्कर्ष मात्र अपेक्षित हुआ करते हैं। इतिहास का बस यही लेना देना है। इस संदर्भ में मुझे एक प्रसंग याद आता है। वाल्मीकि बैठे हुए थे और देवर्षि नारद उनसे मिलने आए। ये देवर्षि नारद हर जगह हैं, हर काल में हैं। वाल्मीकि हों तो उनके सामने हैं और महर्षि व्यास हों तो उनके सामने भी। वाल्मीकि ने देवर्षि से पूछा, को नवस्मिन साम्प्रतम लोके गुणवान कश्चक वीर्यवान। महाराज कृपा करके बताइए कि इस समय संसार में सबसे अधिक गुणवान और वीर्यवान कौन है? तब इस प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद ने सूत्र के रूप में श्री भगवान राम के चरित्र की ओर संकेत किया और वाल्मीकि से कहा, अब आप इस चरित्र का विस्तार कीजिए।
यह पौराणिक तथ्य है कि वाल्मीकि भगवान राम के समकालीन थे, किंतु समकालीन होते हुए भी वे उनका परिचय देवर्षि नारद से पाते हैं। लगता है कि उनका भगवान राम से सीधा परिचय नहीं है। इधर ऐतिहासिक दृष्टि से तुलसीदास जी का जन्म बहुत बाद में होता है। श्री राम का जन्म होता है त्रेता में और तुलसीदास जी आज से 450-400 वर्ष पहले पैदा होते हैं। पर तुलसीदास जी जब राम का वर्णन करते हैं तो वे किसी तीसरे व्यक्ति से राम का परिचय नहीं प्राप्त करते। यह विचित्र बात है कि जो समकालीन था वह तो राम से दूर था, और जो काल की दृष्टि से दूर था वह राम का समकालीन था। जब तक इस गुत्थी को आप समझ न लेंगे, तब तक तुलसीदास जी के इस विलक्षण भाव को हृदयंगम नहीं कर सकेंगे। महर्षि वाल्मीकि देवर्षि नारद के माध्यम से राम से परिचित होते हैं और तुलसीदास जी राम से सीधे परिचित होते हैं। वे भगवान राम की प्रत्येक लीला में सम्मिलित होते हैं, चाहे वह जन्म की लीला हो चाहे विवाह की। तुलसीदास जी ऐसा अनुभव करते हैं कि जब राम का अवतार हुआ तब भी तुलसीदास जी थे, और जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ तब भी श्री राम विद्यमान हैं। इसका अभिप्राय यह है कि भक्त और भगवान एक दूसरे से अलग नहीं होते। काल या देश का कोई परिच्छेद उनको एक दूसरे से अलग नहीं बनाता। इसीलिए तुलसीदास जी जब भगवान राम का जन्म होता है तब बधैया गीत गाते हैं। भगवान राम जब होली खेलते हैं तो तुलसीदास जी भी उनके साथ खेलने वालों में से एक हैं। वे लिखते हैं, भगवान राम अपने मित्रों के साथ होली का खेल खेले, इसके बाद उन्होंने दान दिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि बहुतों ने बहुत दान पाया, पर यहाँ वे एक बात जोड़ना नहीं भूलते, तुलसीदास तहां भक्ति दान बर मांगी। तब तुलसीदास जी ने भगवान से भक्ति का वर मांगा। तुलसीदास जी का तात्पर्य यह है कि जब भगवान राम होली खेल रहे थे तो मैं भी खेलने वालों में सम्मिलित था। तुलसीदास जी ऐसा अनुभव नहीं करते कि भगवान राम रंग की पिचकारी चलावें तो औरों पर चलावें। वे तो राम के रंग में अपने को रंगा हुआ पाते हैं। श्री राम उनके लिए प्रत्येक लीला में हैं तथा उन्हें प्रत्यक्ष देख कर ही वे उनका वर्णन करते हैं। हम देखते हैं कि भगवान राम के विषय में जितने ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें घटनाओं का अंतर पाया जाता है। पूछा जाता है कि वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, लोमश रामायण, भुशुंडी रामायण तथा अगस्त्य रामायण आदि में घटनाओं का क्रम एक जैसा क्यों नहीं है? कहीं देशमूलक असंगतियां हैं तो कहीं कहीं कालमूलक। जब आप रामचरितमानस को पढ़ते हैं तो देखते हैं कि भगवान श्री राम जब चित्रकूट की ओर जा रहे थे तब गंगा के किनारे उन्हें केवट मिला और केवट ने भगवान राम का चरण प्रक्षालन किया। अगर आप अध्यात्म रामायण उठाकर पढ़ें तो उसमें आपको एक भिन्न बात मिलेगी। अध्यात्म रामायण में भी केवट भगवान राम के चरण धोता है और उन्हें पार उतारता है, लेकिन कब? जब भगवान राम सीता स्वयंवर के प्रसंग में जनकपुरी की ओर जा रहे थे तब। अब देखिए, देश और काल की दृष्टि से बड़ी भिन्नता हो गई। विवाह के समय यदि केवट मिला तो 12 बरस पहले मिला, और वन जाते समय यदि मिला तो 12 बरस बाद मिला। अगर चित्रकूट मार्ग में मिला तो वह भौगोलिक दृष्टि से एक अलग मार्ग है, और यदि जनकपुर के मार्ग में मिला तो भौगोलिक दृष्टि से वह बिल्कुल भिन्न मार्ग है। अब इन रामायणों में सही रामायण कौन सी है? कुछ लोग कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण सही है और अन्य रामायणें सही नहीं हैं। तुलसीदास जी के सामने भी यही प्रश्न था, जिसका वे बिल्कुल सही आध्यात्मिक उत्तर देते हैं। वे कहते हैं, रामायणें जितनी हैं वे सभी सही हैं। यह पूछने पर कि कितनी रामायणें हैं, वे एक नई बात कहते हैं, रामायण सतकोटि 100 करोड़ रामायणें। सुनने वाले को लगेगा कि यह अतिशयोक्ति है, किंतु तुलसीदास जी को तो 100 करोड़ के बाद भी एक शब्द बढ़ाना आवश्यक मानते हैं। वे कहते हैं, मुझसे कोई पूछे तो कहूँगा रामायणें 100 करोड़ ही नहीं अपार हैं, रामायण सतकोटि अपारा। वैसे 100 करोड़ रामायणें तो आज भी नहीं मिलेंगी, पर तुलसीदास जी 100 करोड़ रामायण के बाद भी अपार लिखना आवश्यक मानते हैं। यही ऐतिहासिक और भाव दृष्टि का अंतर है। प्रसंग आता है, भगवान राम लंका की विजय के बाद अयोध्या वापस लौटते हैं। उनका स्वागत करने सारी अयोध्या उमड़ पड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि मैं भगवान श्री राम के निकट पहुँच पाता तो कितना अच्छा होता। लेकिन श्री राम अगर एक व्यक्ति हैं तो कुछ लोग ही उनसे मिल पाएंगे और लाखों व्यक्ति उनसे दूर होंगे। तब तुलसीदास जी एक नई बात कह देते हैं, प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन कृपाल खरारी, अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिह सब ही कृपाला। अयोध्या के जितने नागरिक थे भगवान राम ने उतने रूप बना लिए और वे सबसे मिले। अब अगर आप कल्पना कीजिए उस समय की रामायण क्या होगी, जो बड़ा है
भगवान राम उसके चरणों में प्रणाम करते हैं, जो छोटा है उसके सिर पर हाथ रखते हैं, जो बराबरी का है उसको गले से लगाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने राम से मिलकर रस और आनंद का अनुभव कर रहा है। अब यदि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति रामायण लिखेगा तो प्रत्येक की रामायण अलग अलग हो जाएगी। एक कहेगा कि जो ही राम उतर कर आए उन्होंने मुझे हृदय से लगा लिया। दूसरा कहेगा कि राम जब उतरे तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। तीसरा कहेगा कि विमान से उतरकर श्री राम ने मुझे प्रणाम किया। अब किसकी रामायण को ठीक कहें, सभी अपने राम में डूबे हुए हैं। तुलसीदास जी यह मानते हैं कि संसार में जितने प्राणी हुए हैं और आगे चलकर जितने होंगे, उन सब के लिए जब तक एक एक राम नहीं हो जाते तब तक मनुष्य को संतोष प्राप्त नहीं हो सकता। उन्हें सार्वजनिक राम से संतोष नहीं होगा, भला ऐतिहासिक राम से उन्हें कैसे संतोष मिलेगा। ऐतिहासिक पात्र के लिए शिकायत हो सकती है कि भले ही वे किसी के लिए अच्छे रहे होंगे और उन्होंने किसी के साथ बड़ा सद्व्यवहार किया होगा, पर उससे हमारा क्या हुआ। तुलसीदास जी इसीलिए अपार शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि भला कौन बता सकता है कि इस विश्व में अनादिकाल से अनंत तक कितने जीव पैदा होंगे। तुलसीदास जी की मान्यता यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए भगवान राम के अवतार की आवश्यकता है, और यह तभी संभव होगा जब श्री राम मनुष्य न होकर ईश्वर हों। तभी वे हर व्यक्ति की भावना को तुष्टि दे सकेंगे, प्रत्येक के अपने बन सकेंगे और प्रत्येक के जीवन में प्रवेश पा सकेंगे। राम कथाओं में आपको टकराव दिखाई न पड़े, इस दृष्टि से तुलसीदास कहते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहई सुनई बहुविधि सब संता, रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लग जाहि न गाए। इस तरह गोस्वामी जी हमें एक दृष्टि देते हैं और चाहते हैं कि इतिहास में श्री राम को एक बार आया हुआ मानकर हम उन्हें अपने से दूर न बना दें। हमारे श्री राम तो ईश्वर हैं, वे अयोध्या के कोटि कोटि नागरिकों से एक साथ मिल सकते हैं, और मिलते भी इस प्रकार हैं कि जो जही भाई रहा अभिलाषी, जो जैसा चाहता है उससे वैसा ही मिलते हैं। अतएव यदि वाल्मीकि श्री राम को एक रूप में और तुलसीदास जी उन्हें एक दूसरे रूप में देखते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, यह तो बड़ा स्वाभाविक है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो राम हमारी भावना के अनुकूल नहीं होंगे वे हमें कैसे तृप्ति देंगे। जैसे एक न्यायाधीश भी अपने जीवन में पिता भी है, पति भी है और अपने पद पर न्यायाधीश भी है, उसका बालक अपने पिता के न्यायाधीशत्व से प्रसन्न नहीं होगा। बालक यह नहीं देखेगा कि हमारा पिता कितना बड़ा न्यायाधीश या न्याय का पंडित है, उसकी दृष्टि तो यही होगी कि पिता में वात्सल्य कितना है। एक दूसरा व्यक्ति जो उसके न्यायालय में जाता है उसकी दृष्टि मुख्य रूप से यह होगी कि उसको न्याय की, कानून की कितनी जानकारी है, उसमें कितना पांडित्य है तथा वह कितना उत्कृष्ट न्याय कर पाता है। इसी प्रकार हम अपनी भावना की तृप्ति के लिए किन राम को चाहते हैं, यह मुख्य प्रश्न है। श्री राम के ईश्वरत्व का लाभ यह है कि हम उन्हीं राम से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपने जीवन में उतार सकते हैं जो हमारे हृदय के निकट हैं। श्री राम की विलक्षणता का एक चित्र तुलसीदास जी अरण्यकांड में प्रस्तुत करते हैं। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला। भगवान राम मुस्कुराते हुए प्रसन्न भाव से बैठे हुए हैं और लक्ष्मण जी को कोई रसमयी कथा सुना रहे हैं, पर इस दोहे की अगली ही पंक्ति एक भिन्न दृष्टि प्रस्तुत करती है। इसके तुरंत बाद तुलसीदास जी अगली पंक्ति में लिखते हैं, उसी समय नारद जी वहां आए और विरहवंत भगवंत ही देखी, नारद वन भाव सोच विशेषी। भगवान को विरह में आंसू बहाते देख उनके हृदय में अत्यंत शोक हुआ। अब ये दोनों पंक्तियां परस्पर विरोधी हैं। यदि कुछ दूरी से होती तो कल्पना की जा सकती थी कि कुछ देर पहले भगवान श्री राम प्रसन्न हो रहे हों और अब उदास हो गए हों, पर एक ही पंक्ति के आसपास उल्टी बात लिखना बड़ा असंगत लगता है। किंतु यहाँ तुलसीदास जी की भाव दृष्टि से विचार करके देखिए, श्री राम को देखने यहाँ कौन आया, वहाँ पर कौन आया हुआ है। एक और तो शंकर जी आए हुए हैं, उनकी दृष्टि में श्री राम ईश्वर हैं, ब्रह्म हैं, और ब्रह्म में आनंद को छोड़ कुछ हो ही नहीं सकता। इसीलिए जब वे देखते हैं तो श्री राम कैसे दिखाई देते हैं, बैठे परम प्रसन्न कृपाला। उसी समय नारद जी आ गए और नारद जी को श्री राम रोते हुए दिखाई देते हैं। क्यों? नारद ने भगवान राम को शाप दिया था कि तुमने मेरा विवाह नहीं होने दिया, मुझे बड़ा दुख पहुंचाया, इसीलिए तुम्हें भी पत्नी के वियोग में रोना पड़ेगा। श्री राम का चमत्कार यही है कि एक ही समय में वे शंकर को प्रसन्न मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं और नारद को रोते हुए।
ऐसा चमत्कारिक अभिनय तो ईश्वर ही कर सकता है, व्यक्ति बेचारा कैसे करेगा। व्यक्ति तो जिस समय रोता होगा रो ही रहा होगा, जिस समय मुस्कुराता होगा उस समय होठों पर मुस्कुराहट ही होगी। नारद जी भगवान राम को रोते हुए देखकर दुखी होते हैं, पर मन ही मन प्रसन्न भी होते हैं। वे सोचते हैं कि मोर साप करे अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। मेरी बात की रक्षा करने के लिए ही भगवान ने इतना दुख स्वीकारा है। तो जो शिव की दृष्टि है वह नारद की दृष्टि नहीं हो सकती, और जो नारद की दृष्टि है वह शिव की नहीं हो सकती। इस प्रकार नारद एवं शिव के राम एक होकर भी एक नहीं हो सकते, क्योंकि उन दोनों के हृदय की मांग अलग अलग है। श्री राम उनकी हृदय की मांग के अनुकूल उनके सामने आते हैं। तुलसीदास जी की मान्यता है कि हमें जिस प्रकार के राम की आवश्यकता हो, हम अपने जीवन में भगवान राम को जिस रूप में पाना चाहें, ले आना चाहें, उनको हम अब भी ला सकते हैं। इस देश में, इस काल में और इस क्षण में प्रत्येक व्यक्ति श्री राम को अपनी इच्छा के अनुकूल पा सकता है। किसी को भगवान राम का मर्यादामय रूप प्रिय है तो किसी को उनका कृपामय रूप, किसी को शूरतामय रूप प्रिय है तो किसी को उनका कोमलता से भरा रूप, और किसी को उनका विलक्षण रूप प्रिय हो सकता है। तुलसीदास जी अपने इस महान ग्रंथ के द्वारा एक नई दृष्टि देते हैं। वाल्मीकि रामायण एक मंदिर है, रामायण का अर्थ ही है राम का मंदिर, पर रामचरितमानस रामायण नहीं है, तब क्या है। तुलसीदास जी कहते हैं, पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुलसीदास जी अपनी राम कथा का वर्णन या तो सरोवर के रूप में करते हैं या नदी के रूप में। उनकी राम कथा एक गंगा है और वाल्मीकि जी की राम कथा एक मंदिर। उनकी हमारी संस्कृति में दोनों को आदर का स्थान प्राप्त है, पर मंदिर और गंगा में अंतर कहाँ है। मंदिर एक देश में है, वह स्थिर है, पर गंगा एक जगह स्थिर नहीं है, वह चलती है। वह हिमालय से निकलकर देश की दूरियों को पार करती हुई समुद्र की ओर जा रही है। मंदिर समय पर खुलता और समय पर बंद होता है। यदि आप समय पर मंदिर नहीं पहुँचते तो आपको देवता के दर्शन नहीं होंगे। पर गंगा किस समय खुलती है और कब बंद होती है। गंगा की धारा काल के व्यवधान को स्वीकार नहीं करती, वह उन्मुक्त है, प्रतिक्षण उसका द्वार खुला हुआ है। मंदिर में जाइए तो भगवान से आपकी दूरी बनी रहेगी। मंदिर में जाने पर देवता को दूर से नमस्कार करेंगे, पर गंगा में जाइए तो वहाँ दूरी नहीं है। भीतर घुसकर गोता लगाइए, गंगा को और अपने आप को एक बना लीजिए। मंदिर कहता है, भाई पहले स्नान करो, पवित्र बनो, तब मेरे पास आओ। जबकि गंगा कहती है, जैसे भी हो मेरे पास चले आओ, किसी पवित्रता की आवश्यकता नहीं, तुम मुझ में गोता लगाकर पवित्र हो जाओ। वाल्मीकि द्वारा संस्कृत में रचित उनका रामायण महाकाव्य मंदिर के समान महार्ध है, दिव्य रत्नों से युक्त है। उसके वैभव, उसकी समृद्धि का, उसकी काव्य रचना अनुपम है। किंतु फिर भी वाल्मीकि के रामायण राम के और हमारे बीच एक दूरी का अनुभव होता है। तुलसीदास जी के राम गंगा की धारा की तरह हमारे इतने निकट हैं कि उनके पास जाने में हमें किसी तरह का भय नहीं लगता। ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वे बहुत बड़े या बहुत महान हैं। वाल्मीकि रामायण पढ़कर लगता है कि श्री राम कितने महान हैं, जबकि तुलसीदास जी के राम की कथा को पढ़कर लगता है कि राम दूसरों को कितना महान बना देते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि दोनों दृष्टियाँ अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं, पर श्री राम हमारे जीवन में जितने निकट तुलसीदास जी के द्वारा पहुँचाए जाते हैं, निश्चित रूप से वाल्मीकि के द्वारा वह संभव नहीं था। इसीलिए यदि वाल्मीकि ने पुनः अवतरित हो एक नई दृष्टि से राम कथा का निर्माण किया हो तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। इस दृष्टि से आप यदि विचार करके देखें तो गोस्वामी जी ने जानबूझकर कुछ अनोखी बातें लिखी हैं। वे एक सरोवर की उपमा देते हैं। जब एक नदी या सरोवर को हम या आप जाते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति की एक ही दृष्टि नहीं होती। कोई वहाँ स्नान करने के लिए जाता है तो कोई जल पीने के लिए, तीसरा व्यक्ति कपड़ा साफ करने के लिए जाता है तो चौथा जाता है उसकी गहराई में गोता लगाने के लिए। तुलसीदास जी इन चार घाटों की कल्पना के द्वारा हम सबको सरोवर में आने का आमंत्रण देते हैं। वे कहते हैं, हमारे श्री राम का चरित्र दिव्य जल से भरे सरोवर की तरह है। जब कोई व्यक्ति स्नान करने के लिए जाएगा तो सबसे पहले उसकी दृष्टि इस ओर जाएगी कि सरोवर का जल साफ है या नहीं। यदि जल स्वच्छ नहीं है तो नहाने का मन नहीं करेगा, और जो व्यक्ति जल पीने के लिए जाएगा उसकी दृष्टि स्वच्छता पर ही केंद्रित नहीं रहेगी, वह यह भी देखेगा कि जल पीने में मीठा और शीतल है या नहीं।
पर जो व्यक्ति तैरने के लिए जाएगा वह केवल स्वच्छता, मिठास और शीतलता पर ही दृष्टि नहीं डालेगा, वह यह भी देखेगा कि जल में गहराई है या नहीं। तुलसीदास जी का संकेत यह है कि जो चरित्रवादी धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं वे आवें और भगवान श्री राम के चरित्र की स्वच्छता में अपने चरित्र को स्वच्छ बनावें। लीला सगुन जो कही बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी। उन्होंने कहा कि जो लोग सगुण साकारवादी हैं उनके लिए श्री राम के चरित्र की शुद्धता और पवित्रता ही जल की स्वच्छता है। जो लोग ज्ञानी हैं, तैराक हैं, गहराई में जाना चाहते हैं, उन्हें भी गोस्वामी जी निमंत्रण देते हैं। रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बर्नब सोई बरबारी अगाधा। यह एक पुराना विवाद है कि ईश्वर निर्गुण निराकार है या सगुण साकार। कुछ लोग कहते हैं कि कबीर, दादू आदि संत निर्गुण निराकारवादी थे और तुलसीदास, सूरदास आदि लोग सगुण साकारवादी। मैं इससे सहमत नहीं। तुलसीदास जी कोई वादी नहीं है, वे निर्गुण और सगुण दोनों को स्वीकार करते हैं। उनसे पूछा गया कि आप निर्गुण को स्वीकार करते हैं या सगुण को। उन्होंने भावना भरे शब्दों में उत्तर दिया, यदि अपने घर में दो अतिथि आ जाएं तो क्या यह आवश्यक है कि एक को बाहर निकाल दिया जाए और दूसरे को ठहरा लिया जाए। मैं तो निर्गुण और सगुण दोनों का स्वागत करता हूँ और दोनों के रहने के लिए दो कमरे भी ठीक कर देता हूँ। ही निर्गुण नयनई सगुण। इतनी बड़ी बात तुलसीदास जी ने छोटे से वाक्य में कह दी। वह ईश्वर मेरे हृदय में निर्गुण निराकार है, पर मेरी आंखों में सगुण साकार। निर्गुण निराकार की सत्ता को यह स्वीकार कैसे कर सकता है? अंतर्यामी के रूप में तो ईश्वर बैठा ही हुआ है, पर निर्गुण निराकार के इस अंतर्यामित्व से आँखों को संतोष कैसे होगा? आंखें तो तब संतुष्ट होंगी जब वह उनके सामने दिखाई दे, जब उन्हें उनकी रूप माधुरी के दर्शन हों। यद्यपि तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने दोनों को दो स्थान दिए हैं, फिर भी उन दोनों को कमरा देने में पक्षपात हो ही सकता है। एक को बढ़िया कमरा दे दिया तो दूसरे को साधारण कमरे में ठहरा दिया। गोस्वामी जी से पूछा कि महाराज, आपने बड़ा या श्रेष्ठ स्थान किसे दिया? अब बताइए, हृदय श्रेष्ठ है या नेत्र? इसका निर्णय कौन करेगा? तुलसीदास जी एक और मीठी बात कहते हैं कि भाई, मैंने तो सबसे बढ़िया कमरा एक तीसरे को दे रखा है। हिय निर्गुण नयननी सगुण, रसना राम सुनाम, मनहु पुरट संपुट लसत तुलसी ललित ललाम। नेत्रों में सगुण साकार को रखा है, हृदय में निर्गुण निराकार को तथा राम नाम को जीवा पर रख दिया है। स्वर्ण मंजुषा में कोई दिव्य रत्न ही रखा जाता है। निर्गुण और सगुण मानो मंजुषा के दो भाग हैं, जिनके बीच में रखा हुआ रत्न तो राम नाम है। यदि यह विवाद हो कि अमुक व्यक्ति निर्गुण है या सगुण, तो हम क्या करते हैं? हम उसका नाम लेकर पुकारते हैं और वह सामने आकर अपना परिचय दे देता है। इसी प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं, तुम राम नाम लेकर पुकारो तो वह जैसा भी होगा सामने आकर परिचय देगा। अगर वह निर्गुण होगा तो निर्गुण रूप में अपनी सत्ता प्रकट करेगा, और यदि सगुण होगा तो सगुण रूप में सामने आ जाएगा। वे कहते हैं कि इस रामचरितमानस में जो श्री राम की अगुण महिमा है वह गहराई है, और जो सगुण साकार लीला है वह स्वच्छता है। रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बर्नब सोई बरबारी अगाधा। बड़ी दार्शनिक बात तुलसीदास जी ने यहाँ कही। देखिए, जल की स्वच्छता पर जो व्यक्ति दृष्टि डालता है शायद वह जल की गहराई पर ध्यान न देता हो, पर आप अच्छी तरह जानते हैं कि जल की स्वच्छता का उसकी गहराई से बड़ा गहरा संबंध है। जल जितना गहरा होगा उतना ही साफ होगा, और गहराई का जितना अभाव होगा स्वच्छता उतनी ही सीमित होगी। आप एक छोटे से पात्र में जल ले लें और उसमें एक गंदा वस्त्र डाल दें तो आपका कपड़ा भले ही साफ हो जाएगा, पर बाद में आप देखेंगे कि जल गंदला हो चुका है। तुलसीदास जी का तात्पर्य यह है कि राम को यदि हम केवल व्यक्ति या सगुण मानेंगे तो स्वच्छता तो होगी, पर राम स्वयं मलिन हो जाएंगे। इसीलिए सगुण राम का निर्गुण होना आवश्यक है। उनमें अगुण की गहराई बनी रहे तभी सगुण की स्वच्छता रहेगी। अगर अगुण की गहराई को हमने भुला दिया तो सगुण की स्वच्छता नहीं रह सकती। तुलसीदास जी के राम में अगुण की गहराई है और सगुण की स्वच्छता भी। ज्ञानी तैराक हैं, वे गहराई के प्रेमी हैं। जो कर्मी हैं वे स्वच्छता के प्रेमी हैं। जल पीने वाले भक्त जल की मिठास और शीतलता चाहते हैं। उनके लिए तुलसीदास जी कहते हैं, प्रेम भगति जो बर निन जाई, सोई मधुरता सुशीतलाई।
रामचरितमानस में जो प्रेम और भक्ति हैं, वही उसकी मधुरता और शीतलता हैं। इसके द्वारा गोस्वामी जी ने ज्ञानी और भक्त का अंतर प्रकट कर दिया। ज्ञानी गोता लगाता है और भक्त प्रेम रूपी जल को पीता है। दो ही उपाय हैं, भगवान में स्वयं को डुबोना या भगवान को स्वयं अपने आप में ले आना। ज्ञानी भगवान में डूबता है और भक्त भगवान को अपने आप में ले आता है। दोनों ही मार्ग हैं। इस प्रकार तुलसीदास जी निमंत्रण देते हैं कि जो ज्ञानी हैं वे राम के चरित्र की गहराई को देखें, जो भक्त हैं वे चरित्र की मधुरता और शीतलता का आनंद प्राप्त करें, और जो चरित्रवादी हैं वे राम के चरित्र की स्वच्छता पर दृष्टि डालें। अब तुलसीदास जी से पूछा गया कि वह चौथा घाट आप कहाँ से आ गया, आपने राम के चरित्र से क्या लिया, गहराई ली, स्वच्छता ली, मधुरता ली या शीतलता ली। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने राम के चरित्र से कुछ नहीं लिया। तब तुलसीदास जी कहते हैं कि औरों ने तो राम के चरित्र से लिया पर मैंने दिया। क्या दिया आपने? तुलसीदास जी कहते हैं कि जल के और जितने गुण हैं वे सब तो श्री राम में थे, पर जल का एक गुण श्री राम में नहीं था। उनका चरित्र जल के समान गहरा, स्वच्छ, मधुर और शीतल तो था, पर उसमें हल्कापन और होना था। जल अगर हल्का हो तो वह एक गुण है, उससे जल सुपाच्य हो जाता है, पर चरित्र को यदि हल्का कह दिया जाए तो बड़ी निंदा की बात हो जाती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम के चरित्र में तो और सब था पर हल्कापन नहीं था, और मुझ तुलसीदास के चरित्र में सब हल्कापन ही है और कुछ नहीं। अतः मैंने भगवान से कहा कि प्रभो, आपके चरित्र में यदि मेरा हल्कापन और जुड़ जाए तो वह सार्थक हो जाए, इसीलिए मैंने भगवान को अपना हल्कापन दे दिया। तुलसीदास जी का तात्पर्य यह है कि श्री राम का महत्व इसमें नहीं है कि वे कितने बड़े हैं, बल्कि इसमें है कि वे एक साधारण से साधारण व्यक्ति को भी कितना श्रेष्ठ बना देते हैं। उत्तरकांड के अंत में एक चित्र आता है। कांगभूषुंडी जी श्री राम के साथ खेल रहे हैं। अचानक श्री राम की लीला को देखकर उनको भ्रम हो गया। रामायण में तीन शब्द आते हैं, चरित्र, लीला और कथा। चरित्र तो आप जानते ही हैं, किसी व्यक्ति के जीवन में जो विशिष्टता या मूल गुण है उन्हें आप चरित्र के रूप में कह सकते हैं। लीला का तात्पर्य है अभिनय, जो कि नाटक के रूप में किया जाता है। वह आवश्यक नहीं कि लीला और चरित्र बिल्कुल एक जैसे हों। मान लीजिए आपका कोई मित्र बड़ा सत्यवादी है, यदि नाटक में उसे झूठ बोलने का काम दे दिया जाए तो वह वहाँ झूठ बोलेगा। इसके विपरीत जीवन में प्रायः झूठ बोलने वाले को यदि नाटक में हरिश्चंद्र की भूमिका दे दी जाए तो वह सत्यवादी बनकर बोलने लगेगा। अतः नाटक में आप किसी व्यक्ति की लीला को देखकर यदि उसके चरित्र के विषय में निर्णय करने लग जाएं तो आपको धोखा हो जाएगा। काकभूषुंडी जी को कुछ ऐसा ही भ्रम हो गया। वे भगवान के साथ खेल रहे थे। कुसल्या जी ने मालपुआ ले जाकर राम के हाथ में दे दिया। श्री राम उस मालपुए को खाने लगे। काकभूषुंडी यह सोचकर कि मुझे प्रसाद मिले, श्री राम के समीप गई। उन्हें आशा थी कि श्री राम उन्हें मालपुए में से कुछ भाग देंगे, पर श्री राम ने उनका हाथ हटा लिया। जब वे रूठकर कुछ दूर चले गए तो श्री राम ने मालपुआ दिखाया। फिर जब काकभूषुंडी लेने के लिए आए तो फिर हाथ हटा लिया। और काकभूषुंडी कहते हैं, प्राकृत शिशु इव लीला देखी भयो मोहि मोह, कवन चरित्र करत प्रभु चिंतानंद संदोह। श्री राम तो कर रहे थे लीला और मैं देखने लगा चरित्र। श्री राम तो बालकों की सी लीला कर रहे थे, भला एक बालक इतनी सरलता से कोई को मालपुआ कैसे दे देगा। श्री राम ने तो अभिनय का ठीक ठीक निर्वाह किया, पर काकभूषुंडी को लगा कि ईश्वर तो बड़ा उदार कहा जाता है, अतः वह कैसे ईश्वर हो सकता है जो मालपुआ देने में भी कृपणता करे। काकभूषुंडी गरुड़ से कहते हैं कि इससे मेरा मन भ्रम में पड़ गया और मैं श्री राम से दूर उड़ चला। तब मैं भागी चलूँ उर्गारी, राम गहन कह भुजा पसारी, जिमी जिमी दूरी उड़ाऊँ अकासा, तहे भुज हरि देखूँ निज पासा। मैं भागने लगा और श्री राम ने अपनी भुजा मुझे पकड़ने के लिए बढ़ाई। आकाश में मैं जहाँ जहाँ गया वहाँ वहाँ मैंने भगवान राम की भुजा को देखा। ब्रह्मलोक लगी गयों में चित्त उपाच उड़ात, जुगंगुल कर बीच सब राम भुजई मोहितात। मैं जहाँ भी गया मैंने अपने पीछे राम की भुजा को देखा। उनकी भुजा में और मुझ में दो अंगुल की दूरी बनी हुई थी। और तब व्याकुल हो मैंने नेत्र मूंद लिया। जब नेत्र खोला तो आकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा। जब मैं चरणों पर गिरा तो भगवान राम मुस्कुराए और अचानक उन्होंने मुझे मुँह में रख लिया। भगवान के उर में जब मैं गया तो उनके उदर में बने कोटि कोटि ब्रह्मांडों का मैंने दर्शन किया।
यह रामायण का दर्शन है, जहाँ देश काल की सारी परिभाषाएं परिवर्तित हो गई हैं। सारे ब्रह्मांड में भारत, भारत में अयोध्या, अयोध्या में दशरथ, दशरथ का महल, दशरथ के महल में उनका आंगन, उस आंगन में श्री राम और उनके पास काकभुशुंडी। काकभुशुंडी कहते हैं कि जब वे भगवान राम के मुख में बैठे तो उन्हें कोटि कोटि ब्रह्मांडों का दर्शन करते हुए यह विचित्रता लगी कि जहाँ जहाँ वे गए उन्होंने प्रत्येक ब्रह्मांड में राम का अवतार देखा। इतना ही नहीं, उन्हें यह देखकर और भी आश्चर्य हुआ कि हर जगह कोई ना कोई काकभुशुंडी बैठा हुआ है, हर ब्रह्मांड में राम का अवतार है और हर ब्रह्मांड में काकभुशुंडी। उन्होंने यह भी देखा कि प्रत्येक ब्रह्मांड में दशरथ हैं, कौसल्या हैं और हर ब्रह्मांड में प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग है। राम तो हर जगह वही है, पर दशरथ अलग हैं, कौसल्या अलग हैं, काकभुशुंडी अलग हैं। वे 101 कल्प तक भगवान राम की लीलाओं का दर्शन अमित ब्रह्मांडों में करते रहे। जब वे ब्रह्मांडों का दर्शन करते करते घबरा गए तो अचानक भगवान हंस पड़े और काकभुशुंडी उनके मुंह से बाहर निकल आए। तब उन्हें लगा कि उभय घड़ी मह मैं सब देखा, मैंने दो ही घड़ी में सब कुछ देख लिया। पर राम के उदर में तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि मैं 101 कल्प तक घूमता रहा। इसका अभिप्राय क्या है? मानो भगवान बताना चाहते हैं कि देश और काल भी मात्र संवेदनात्मक हैं। जिस देश और काल को व्यक्ति ने इतना ठोस मान रखा है वह तात्विक नहीं। काकभुशुंडी को एक नए सत्य का ज्ञान हुआ और वह सत्य हमारे आपके सबके लिए बड़े काम का है। गत दिनों में दिल्ली में था, वहाँ रामलीला के दौरान एक दिन श्री राम के राज्याभिषेक की लीला चली। राम राज्य में प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की न, मुझसे कहा गया कि आप तिलक कीजिए, तो मैंने श्री राम को तिलक लगाया। मैंने तब कहा कि भगवान राम की लीला का यही आनंद है, यदि भगवान राम इतिहास में होते तो मैं मुनि वशिष्ठ नहीं हो सकता था। मैं वशिष्ठ इसीलिए बन पाया कि श्री राम शाश्वत हैं। इसी प्रकार आप भी दशरथ बन सकते हैं, कौसल्या जी आपके जीवन में भी आ सकती हैं। आप चाहे जिस देश या काल में हों, भगवान श्री राम को आप पा सकते हैं, उनसे नाता जोड़ सकते हैं। तुलसीदास जी का कथन है कि प्रत्येक ब्रह्मांड में भगवान का अवतार होता है। प्रत्येक कल्प में वे ब्रह्मांड की दो परिभाषाएं करते हैं, एक ब्रह्मांड तो भौगोलिक है और दूसरा ब्रह्मांड प्रत्येक व्यक्ति का शरीर है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में एक अनोखा ब्रह्मांड है। जो विराट ब्रह्मांड है उसी का एक नन्हा प्रतिरूप व्यक्ति का ब्रह्मांड है। इसी प्रकार एक कल्प तो वह है जो घड़ी के द्वारा या समय के मापदंड द्वारा जाना जाता है, और दूसरा कल्प वह है जो हमारी एवं आपकी अनुभूति से संबद्ध है। अनुभूति से संबद्ध होने का तात्पर्य क्या? कहा है कि भगवान एक कल्प में अवतार लेते हैं। अब यदि कोई व्यक्ति यह मान ले कि भगवान त्रेता युग में अवतार लेते हैं तो कितनी बड़ी निराशा उसके हाथ लगेगी। अभी तो कलयुग चल रहा है, इसके बाद सतयुग आएगा, तब कहीं त्रेता युग की पारी आएगी, तब तो श्री राम और हमारे बीच इतनी बड़ी दूरी हो जाती है कि हम श्री राम को कभी पा नहीं सकते। किंतु गोस्वामी जी कहते हैं, नहीं नहीं, कल्प तो आपकी मन की व्याकुलता की अनुभूति से संबद्ध है, वह कोई घड़ी से संबद्ध नहीं है। अगर वह घड़ी से संबद्ध होता तो आप उन्हें पा ही नहीं सकते थे। पर यह त्रेता युग और कल्प तो चाहे जब आपके जीवन में आ सकता है। एक व्यंग आता है हनुमान जी से। श्री रामचंद्र जी ने पूछा कि हनुमान, यह तो बताओ कि सीता जी लंका में कैसी हैं? हनुमान जी ने कुछ तो सुना दिया और कुछ के लिए कहा, प्रभो पूछिए मत। भगवान ने कहा, ऐसी क्या बात है, 10 ही महीने से तो सीता जी लंका में हैं। हनुमान जी ने कहा, नहीं प्रभो, आप जो बात कह रहे हैं वह नहीं है। जब आप कहते हैं कि 10 महीने से सीता जी लंका में हैं तो आपने सही गणित नहीं किया। निमिष निमिष करुणानिधि जाहि कल्प संवित, सीता जी के जीवन में इतनी व्याकुलता है कि उनका एक एक निमिष कल्प के समान बीत रहा है। आपको तो चाहिए था कि पहले ही अवतार लेकर उनका कष्ट दूर कर देते, पर लगता है आप अपनी प्रतिज्ञा भूल रहे हैं कि आपका प्रत्येक कल्प में अवतार होगा। हनुमान जी का संकेत यह था कि व्याकुलता का जो कल्प है वह प्रत्येक व्यक्ति के लिए संभव है। घड़ी वाला कल्प एक अलग बात है, पर हमारे अंतःकरण की अनुभूति का जो कल्प है वह अधिक सार्थक है। अगर हमें ठीक ठीक अनुभव होने लगे कि हमें ईश्वर की आवश्यकता है तो अनुभूति वाला कल्प हमारे जीवन में किसी भी क्षण आ सकता है। मानो इस प्रकार तुलसीदास जी ने राम को हमारे पास पहुंचा दिया, काल के परिच्छेद को उन्होंने दूर कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का शरीर, उसका जीवन एक ब्रह्मांड की तरह है, और इसीलिए वे रामायण के प्रारंभ में
भगवान राम के अवतार की कई गाथाओं का वर्णन करते हैं। कहते हैं एक बार जय और विजय रावण और कुंभकर्ण बने, फिर कहा जाता है कि एक बार रुद्रगण रावण और कुंभकर्ण बने। यह भी कहते हैं कि प्रताप भानु रावण बना तो एक स्थान पर कहा गया कि जो जलंधर था वह आगे चलकर रावण बना। जय और विजय भगवान के द्वारपाल हैं। सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार नामक ऋषि भगवान नारायण से मिलने गए। जब उन्होंने भगवान के धाम में प्रविष्ट होने की चेष्टा की तो इन दोनों द्वारपालों ने छड़ी अड़ाकर उन्हें रोका और तब उन महात्माओं ने क्रुद्ध होकर श्राप दे दिया कि जाओ तुमको 3 जन्मों तक असुर बनना पड़ेगा। फलस्वरूप वे द्वारपाल रावण और कुंभकर्ण बन गए। दूसरी कथा आती है देवर्षि नारद की। भगवान ने उन्हें बंदर की आकृति दे दी थी और उसके बाद जब वे स्वयंवर सभा में बैठे हुए थे तो शंकर जी के दोनों गण उनके आसपास बैठे उन पर व्यंग कर रहे थे। नारद जी ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुमने मेरी हंसी उड़ाई है, इसीलिए जाओ राक्षस हो जाओ। और तब वे रावण और कुंभकर्ण बने। प्रताप भानु महान धार्मिक प्रकृति का राजा था, पर उसने एक बार ब्राह्मणों को ऐसा भोजन कराने की चेष्टा की जिसमें मांस सम्मिलित था। आकाशवाणी होने पर ब्राह्मणों ने क्रुद्ध होकर उस राजा को श्राप दे दिया जिससे उसे रावण बनना पड़ा। इन कथाओं का अभिप्राय यह है कि रावण बुराई का एक प्रतीक है और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक जैसा रावण नहीं होता। जय और विजय देखने में बिल्कुल भगवान जैसे हैं। जब ये चारों महात्मा आए और भीतर जाने लगे तब इन द्वारपालों के मन में यह अहंकार आया कि हम भी तो भगवान जैसे ही हैं, ये हमारा ही दर्शन करके संतुष्ट क्यों नहीं हो जाते। ये भीतर जिसका दर्शन करने जा रहे हैं उसमें कोई विशिष्टता है क्या? तो यहाँ जो रावण है वह अहंकार का प्रतीक है। यहाँ ईश्वर से स्पर्धा की जो भावना है वह रावण के जन्म का हेतु बनती है। रुद्रगणों के प्रसंग में एक दूसरी ही वृत्ति कार्यरत है, वह है दूसरे के पतन पर आनंद का अनुभव करना। भगवान ने नारद को बंदर की आकृति दी तो सही, पर उनकी इच्छा यह थी कि नारद की रक्षा हो। शंकर के गण होने के नाते रुद्रगणों की आँखें बड़ी पैनी हैं। आँखें पैनी हों यह अच्छा है, लेकिन रुद्रगणों की तरह पैनी होना भी ठीक नहीं। यदि किसी के पास ऐसी दृष्टि आ जाए जिसके द्वारा वह दूसरों के दोष या पाप को जानकर उनकी हंसी उड़ाने लगे या उनको कष्ट पहुंचाने में आनंद ले तो उस दिव्य दृष्टि का निंदा की जाए अथवा प्रशंसा। इन दोनों रुद्रगणों ने अपनी प्राप्त दिव्य दृष्टि का दुरुपयोग किया। रुद्रगण भला स्वयंवर में गए क्यों थे? उन्हें तो विवाह नहीं करना था, वे केवल इसीलिए गए थे कि नारद की दुर्दशा देखकर उनकी हंसी उड़ाएं। यह तो वैसी ही बात हुई जैसे आप किसी का पीछा करें और वह फिसल कर गिरे तो तालियां बजाकर आनंद लें। रुद्रगण नारद पर व्यंग कर रहे हैं। अंत में भगवान आते हैं और माया भगवान के गले में जयमाला डाल देती है। भगवान जब विश्व मोहिनी को लेकर चले जाते हैं तो तुरंत रुद्रगण नारद से कहते हैं निज मुख मुकुर विलोक हो जाई, जाकर शीशे में अपना मुख देखो, दर्पण ऐसी अनोखी चीज़ है कि उससे बढ़कर कोई प्यारा नहीं। साथ ही यह ऐसा अनोखा शब्द है कि जिससे बढ़कर चिढ़ाने वाला शब्द भी कोई नहीं। कौन सा व्यक्ति होगा जिसके घर में दर्पण ना हो और जो शीशे में अपना मुँह न देखता हो? हर व्यक्ति दर्पण देखता है, चाहे वह दर्पण मूल्यवान हो या फिर सस्ता। फिर भी यह शब्द इतना अनोखा है कि स्वयं देखिए तो आनंद आता है, लेकिन दूसरा देखने के लिए कह दे तो क्रोध आ जाता है। जो व्यक्ति कह देता है कि जरा शीशा देख लो, वह मानो समाज के सामने हमारे दोषों को उजागर करना चाहता है। स्वयं शीशा देखना एक बात है और दूसरे को दर्पण दिखाना भिन्न बात। रुद्रगणों ने स्वयं दर्पण नहीं देखा, उन्होंने दूसरे को दर्पण देखने की बात कही। नारद जी ने उन्हें श्राप दे दिया कि जाओ राक्षस हो जाओ। मानो नारद जी ने भी उन्हें दर्पण देखने की बात कह दी। स्वयंवर में नारद जी की मुखाकृति पर काम का आवेश दिखाई दे रहा था। रुद्रगण यह तो देख रहे हैं कि नारद की आकृति बंदर की है, पर यदि स्वयं शीशे में देखते तो पता चलता कि उनकी भी शक्ल राक्षसों जैसी हो गई है। दूसरों के पतन पर आनंदित होना राक्षसी वृत्ति का द्योतक है जो कि बंदर वृत्ति से भी घातक है। दोनों ने एक दूसरे को शीशा देखने की बात कही। इस तरह बंदर और राक्षस बनकर वे एक दूसरे के सामने आ गए। तो दूसरों के पतन पर यह जो आनंदित होने की वृत्ति है वह रावण बनकर हमारे जीवन में आ जाती है। कहा जाता है कि प्रताप भानु रावण बन गया। प्रताप भानु सत्य केतु का पुत्र था और उसका पतन काल केतु के कारण हुआ। सत्य केतु और काल केतु मानव जीवन के दो दर्शन हैं। सत्य केतु वह है जिसकी विचारधारा में स्थिरता है, जो मानता है कि जीवन में कुछ सिद्धांत हैं,
कुछ आस्थाएं हैं जिनके आधार पर जीवन चलना चाहिए। काल केतु वह है जो अवसरवादी है, जो मानता है कि जैसी बहे बयार पीठ पुनी तैसी कीजे, जब जिसमें लाभ दिखाई दे अपना स्वार्थ पूरा कर लें। केतु का अर्थ तो आप जानते ही होंगे। केतु माने झंडा, सत्य केतु माने सत्य का झंडा, और काल केतु माने अवसर के अनुकूल झंडा। यह सत्य केतु और काल केतु का संघर्ष था जिसमें प्रताप भानु का पतन हो गया। सत्य केतु का बेटा काल केतु के सामने हार गया, काल के समक्ष सत्य पराजित हो गया। यह आप अच्छी तरह समझ लें कि बुराई और अच्छाई के बीच एक बहुत बड़ा अंतर यह है कि बुराई को अपनी सफलता के लिए पूर्णता की आवश्यकता नहीं है, जबकि अच्छाई को अपनी सफलता के लिए पूर्णता की आवश्यकता है। या यूँ कह लीजिए कि मिलावट के लिए मात्रा का कोई बंधन नहीं है, पर शुद्धि के लिए तो यह बंधन आवश्यक है। मिलावट के लिए चाहे कोई एक तोला करे या पाव भर, पर जो शुद्ध है उसके लिए तो नियम है, शुद्ध माने पूरा शुद्ध, उसके लिए तो एक कण भी बुराई नहीं होनी चाहिए। अगर हिंसा और अहिंसा का संघर्ष होगा तो अहिंसा जीतेगी, पर यदि कम हिंसा और अधिक हिंसा का संघर्ष होगा तो अधिक हिंसा जीतेगी। कई बार लोग कहा करते हैं कि अच्छे लोग हार जाते हैं और बुरे लोग जीत जाते हैं, यह बिल्कुल गलत बात है। हाँ, यह कहिए कि कम बुरा हार गया और अधिक बुरा जीत गया। कम बुरे और अधिक बुरे में निश्चित रूप से अधिक बुरा ही जीतेगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जहाँ व्यक्ति बुराई का चुनाव करेगा वहाँ बुराई को अपनी सफलता के लिए पूर्णता की आवश्यकता नहीं है। सत्य को पूरा सत्य बनाना पड़ेगा, पर असत्य को ऐसा कोई बंधन नहीं है। राजा प्रताप भानु वन में शिकार करने गया। वह सफल होकर लौट रहा था कि एक मृग दिखाई पड़ा, वह उसके पीछे भागा। यही लोभ है। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं, लोभ शुकर रूप। लोभ का शुकर सामने आया और प्रताप भानु उसके पीछे भागा। वह शुकर कौन था? कालकेतु ही सुनहरे मृग का रूप बनाकर आया था। विचित्र व्यंग है कि जो प्रताप भानु मृग से ठगा गया वही जब रावण बना तो राम को ठगने के लिए मृग लेकर आया। यह ठगी का चक्र ऐसे ही चलता है। हमें किसी ने ठगा तो हम भी उसी पद्धति से दूसरे को ठगेंगे। हमें अगर किसी ने खोटा सिक्का दिया तो हम भी उसे किसी न किसी के माथे मढ़ने की कोशिश करेंगे। बुराई तो तब मिटेगी जब कोई व्यक्ति साहसपूर्वक उसका परित्याग कर दे। लेकिन यह सत्य केतु का पुत्र तो काल केतु रूपी मृग के पीछे भागता है। इसका अर्थ यह हुआ कि सत्य का पालन करने वाला भी अगर जीवन में वही प्रलोभन, वही लाभ, वही सफलता चाहता हो जो अवसरवादी खोजते हैं, तो वह मात्र सत्य केतु का बेटा होने के नाते संघर्ष में विजयी नहीं होगा। अगर वह अपने जीवन में थोड़ा भी असत्य स्वीकार करेगा तो उसका पतन अवश्यंभावी है। और यही हुआ भी। जब प्रताप भानु कपट मुनि के द्वार पर पहुंचा तो उससे मुनि ने पूछा कि आपका नाम क्या है? राजा ने कहा, मैं प्रताप भानु राजा का मंत्री हूँ। हंसकर कपट मुनि ने कहा, मैं तो जानता हूँ कि आप कौन हैं। तब प्रताप भानु बोला, महाराज मैंने आपसे छिपाया था, मैं प्रताप भानु राजा का मंत्री नहीं, मैं ही प्रताप भानु हूँ। हंसकर कपट मुनि ने कहा, की नहूँ कपट लाग भल मोही, तुम्हारा कपट मुझे अच्छा लगा। इसमें व्यंग यह है कि चलो तुमने कपट से प्रारंभ किया तो मुझे भी छूट है, मुझे कोई असंतोष नहीं है। चलो कम असत्य ही सही, पर असत्य का प्रयोग तो तुमने किया। यही धोखाधड़ी समाज में भी है, महाभारत में भी यह धोखा था, सत्य में भी मानो खाने बना दिए गए। भीम ने कहा, हम अश्वत्थामा मारा गया कहेंगे, पर पहले अश्वत्थामा नामक हाथी को मार कर कहेंगे। यही सत्य के साथ छल है। अश्वत्थामा हाथी को मार दिया गया और द्रोणाचार्य से जाकर भीम ने कह दिया कि अश्वत्थामा मारा गया। भीम को यह संतोष है कि मैंने पूरा झूठ कहाँ कहा, जैसे कि झूठ भी पूरा और अधूरा होता हो। युधिष्ठिर बड़े सत्यवादी कहे जाते हैं, पर जब उनके सामने समस्या आई तो उन्होंने कहा, अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरोवा, अश्वत्थामा मारा गया पर पता नहीं वह मनुष्य था या हाथी। ऐसा कहकर युधिष्ठिर किसे धोखा दे रहे थे, अपने को या किसी और को? जब यह अच्छी तरह से पता था कि अश्वत्थामा मारा गया है, तब यह कहना कि मनुष्य या हाथी पूरा झूठ था, पर अपने को धोखा देने के लिए इतना तो आवश्यक ही था। जब मनुष्य अपने आप को ठगता है तब काल केतु को भी लाभ लेने का अवसर मिल जाता है। तात्पर्य यह हुआ कि कभी हमारे जीवन का अहंकार, कभी मात्सर्य, कभी प्रलोभन, तो कभी स्वार्थ रावण के रूप में हमारे जीवन में आ जाता है,
और यदि इन रावणों को हम पहचान सकें तो हम निर्णय कर सकते हैं कि हमें किन राम की आवश्यकता है। राम तो अनगिनत रूपों में आने को तैयार हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, आप उन्हें बुलाइए। तो वे कहते हैं कि एक कल्प में कश्यप और अदिति दशरथ और दुसल्या बने, और दूसरे कल्प में मनु और शत्रुपा दशरथ और कौसल्या बनकर प्रकट हुए। कितनी बढ़िया बात उन्होंने कही, कश्यप ऋषि हैं और मनु एक राजा हैं। मानो गोस्वामी जी कहते हैं कि राम तो दोनों के घर में जन्म लेने को तैयार हैं, चाहे वह राजा हो या ऋषि। यह तो हमें चुनाव करना है कि हम राजा के रूप में जन्म लेकर दशरथ बनना पसंद करेंगे या ऋषि के रूप में। इस प्रकार तुलसीदास जी भगवान का व्यापक एवं अद्भुत रूप हमारे सामने रखते हैं। वे ऐतिहासिक दृष्टि के स्थान पर भाव दृष्टि को प्राधान्य देते हैं। वास्तव में भाव दृष्टि ही व्यक्ति को संतोष, शांति और आनंद की प्राप्ति करा सकती है। मुझे याद आता है कि जब चंद्रमा पर कुछ लोगों ने विजय प्राप्त की तो एक सज्जन कहने लगे, अब तो चंद्रमा को निकट से जाकर देख लिया गया है, चंद्रमा में कोई सुंदरता नहीं है। साहित्य में जहाँ जहाँ चंद्रमा को सौंदर्य का प्रतीक बताया गया है उसे निकाल देना चाहिए। मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा, भाई अगर आपके लड़के को कोई रोग हो जाए और आप उसे डॉक्टर के पास ले जाएं और यदि वह उसका एक्सरे ले तो क्या आप उस एक्सरे वाले चित्र को कमरे में लटकाएंगे? वैसे देखा जाए तो असली चित्र वही है, पर जो चित्र आप अपने घर में कक्ष में टांगते हैं वह साधारण कैमरे से लिया गया चित्र होता है। जब आपको चिकित्सा करनी होती है, रोग का निदान करना होता है, तो आप एक्सरे वाला चित्र लेते हैं, और जब आपको स्नेह करना होता है तो आप वह चित्र लेते हैं जिसे बाहरी रूप का चित्र कहा जाता है। इसी प्रकार चंद्रमा भले ही तात्विक दृष्टि से सुंदर ना हो, पर आज भी जब हम दृष्टि उठाकर देखते हैं तो चंद्रमा उतना ही सुंदर दिखता है। विज्ञान के कारण चंद्रमा की सुंदरता समाप्त नहीं हो गई, चंद्रमा में अब भी उतनी ही शीतलता है। इसका अभिप्राय यह है कि विज्ञान ही सब कुछ नहीं है, वह जीवन का एक अंग है, पर साहित्य उसमें कम महत्व का अंग नहीं है। विज्ञान उस सत्य का वर्णन करता है जिसे वह यंत्र के माध्यम से देखता है, तथा भाव और साहित्य उस सत्य को बताता है जो कि होना चाहिए और जिसके हुए बिना मनुष्य को सुख और संतोष नहीं मिल सकता। ज्ञानी कहता है कि भगवान ऐसे हैं और भक्त कहता है कि हम उन्हें ऐसा चाहते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि निर्गुण एक फल का बीज है और सगुण उसी का फल है। जैसे आम की गुठली और आम, गुठली से ही वृक्ष निकलता है, जो मूल में है वही अंत में आता है। फल के रूप में भी वही आता है जो मूल में था। निर्गुण के रूप में जो अव्यक्त था वही सगुण फल के रूप में सामने आ गया, पर दोनों में एक अंतर है। गुठली में तो केवल गुठली ही है, पर फल लीजिए तो गुठली तो मिलेगी ही, साथ ही आपको रस का लाभ भी मिलेगा। फल में जो लाभ है वह गुठली में नहीं। तुलसीदास जी राम के इस रसमय दिव्य रूप को केवल इतिहास या विज्ञान की दृष्टि से नहीं, बल्कि भाव और प्रीति की दृष्टि से देखते हैं। यह दृष्टि देश काल के परिच्छेद को पार कर राम को हमारे निकट पहुंचा देती है। यह राम हमारे जीवन के लिए कितने प्रेरक हैं, उतने ऐतिहासिक राम नहीं हो सकते थे। तुलसीदास जी ने इन श्री राम का चित्र और चरित्र किस रूप में प्रस्तुत किया है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। नारायण।